आज दिनांक 14 अप्रैल आज दिन शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। वार्ड नंबर 11 होकुलगंज से बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी राधेश्याम शर्मा और राधे के साथ साथ करीब 100 लोगों ने होकुलगंज से जुलूस निकालकर पहाड़िया अख्ता चौराहे जानकी लॉन तक गई। बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी राधेश्याम ने फोर्थ पिलर की टीम से बातचीत की। अंबेडकर जयंती पर उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि आगे की उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर पूरा खरे उतरेंगे। वह समाज सेवी के रूप में तो कार्य कर ही रहे हैं, जितने के बाद भी वह ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और जनता की समस्याओं का निवारण करेंगे। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। जी आपको बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इस सिलसिले में इस वक्त हम हैं हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 में। आपको बता दें कि जुलूस निकल रहा है यहाँ पे वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज की जनता भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और जो जुलूस है उसका जो कार्य जो देख रहे हैं यहाँ से निकाला जा रहा है जनता द्वारा। हमारे साथ राधेश्याम जी भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम है और ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा श्याम जी, ये बताइए कि क्या कुछ कार्यक्रम है आज? आज बाबा साहब का जयंती है, जन्म दिवस है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग बाबा साहब के जन्म को हर्षोल्लास से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, और हम लोग आज बाबा साहब का यहाँ से जुलूस उठाते हुए किस जगह से कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? भगवानाल मंदिर से लेते हुए होकुलगंज तिमोहानी होते हुए हम लोग जाएंगे पहाड़ियाँ बेनीपुर पोखरा तक। जी जी, यह भी जानना आपसे चाहिए, आप भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब पिछड़े और दलितों के लिए बहुत कुछ दे के गए, आज उन्हीं का देन है कि हम लोग सारे लोग शिक्षित हुए और अपने समाज को ऊपर तक उठाए, और बाबा साहब की देन है कि आज सभी वर्ग के लोगों को कुछ न कुछ दे के गए। हमारा कहना ये है कि सभी वर्ग को बाबा साहब का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे देश के जो है व्यक्ति थे कि जो हमारे देश का संविधान लिखा और संविधान में सबको अपना अपना अधिकार दिया जी। और आज हमारा देश उसी संविधान के बल पे चल रहा है और संभवतः चलता रहेगा जी। ये आप किसी जाने रैली में आज जुलूस निकाले, आप कितने लोग शामिल हैं? लगभग जुलूस में हमारे 100 लोगों की संख्या है। 100 लोगों की संख्या है जी। यहाँ से वो होकर सीधे कहाँ जाने वाली है? ये हम लोग जाएंगे बेनीपुर पोखरा पे जी, वहाँ पे जाने वाले जी। ये अभी आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुजन समाज पार्टी से हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 से प्रत्याशी के रूप में भी आ रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी के रूप में, क्या कुछ यहाँ की जनता आपसे उम्मीद कर सकती है ये बताइए। चूँकि जनता को हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रत्याशी पीछे रहे, जितने पार्षद रहे, उन्होंने वार्ड में कोई कार्य नहीं किया और जनता को एक पढ़े लिखे व्यक्ति से काफ़ी उम्मीदें हैं। चूँकि मैं अधिवक्ता हूं पेशे से, तो अधिवक्ता के कारण उन लोगों को और उम्मीदें हैं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए सारी जनता हमारे साथ है और हम पूर्ण बहुमत से यहां जो है जीत रहे हैं। जी, क्या कुछ वोट अपील करना चाहेंगे आप यहाँ पर? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हमको जनता निधि करने का अवसर दे और हम जनता को विकास और यहाँ का सारी व्यवस्थाओं का मैं जो है कि सुचारू रूप से व्यवस्थित करूँगा। और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे भावी प्रत्याशी हुकुलगंज से खड़े हो रहे राधेश्याम जी, क्या कुछ सोच है उनसे भी जानते हैं और अम्बेडकर जयंती के बारे में। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम जितेंद्र कुमार शर्मा है जी। आज आप आज अम्बेडकर जयंती में सम्मिलित हो रहे हैं जी। बाबा अम्बेडकर साहब की देन है जो कि आज देश यहां तक पहुंचा हुआ है, और अम्बेडकर साहब के ही बनाए हुए संविधान के ऊपर आज भी सब लोग मतलब चल रहे हैं, और जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं देश के अंदर सब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा ही मतलब सुचारू रूप से जो लिखा गया है उसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, बाबा साहेब के ही संविधानों के जरिए उनको मतलब यूज कर रही है, चाहे कहीं पे भी मतलब उसको काम करना पड़े। ठीक है, तो हमारा देश जो तरक्की कर रहा है बाबा साहब के ही देन है, जो नीचे का वर्ग, जो नीचे का तबका है पढ़ लिख के मतलब हमेशा जो अग्रसर हुआ है बाबा की ही देन है, जो कि मतलब यहाँ तक पहुँचने का मतलब उन लोगों का श्रेय है, जो बाबा साहब का मेन ध्येय और मेन श्रेय जो है नीचे के तबके को ऊपर मतलब सबके समान लाना,
और पढ़ लिख के लोग जो पहुँचे हैं वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। फिर भी हमारे अभी भी मतलब भाई कुछ ऐसे हैं जो पीछे रह चुके हैं, उनके लिए भी कोशिश जारी है। वार्ड नंबर 11 से कुलगंज से राधे श्याम जी खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे? उम्मीद इनसे बहुत हैं क्योंकि ये ऑलरेडी पेशे से वकील हैं और वहाँ पर भी ऑलरेडी बनारस बार के 3 बार से पदाधिकारी और जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं, मतलब अभी भी वर्तमान में भी हैं। तो आए हुए मतलब जो भी मतलब वार्ड नंबर 11 के मोहल्ले के लोग जो हैं, जो भी उम्मीदें रखते हैं या किसी भी काम के लिए आते हैं, तो शुरू से ही समाज सेवी हैं और हर व्यक्ति का वो काम मतलब निस्वार्थ करते हैं। समाज सेवी के रूप में वो तो कार्य कर ही रहे, क्या आपको लगता है जितने के बाद भी वो कार्य करेंगे? पक्का करेंगे। जो आदमी मतलब जिसके अंदर कार्य करने की भावना होती है वो हमेशा करता रहेगा, उसमें कोई मतलब शिकायत की उम्मीद मतलब वो छोड़ते ही नहीं है। जिसके अंदर हमेशा दूसरों के प्रति मतलब अपनी जिज्ञासा रहती है कि नहीं हम दूसरे की भलाई करें, दूसरे को आगे बढ़ाएं या दूसरे का मतलब कुछ इस तरीके का भला करें, ताकि मतलब आगे हमेशा हमारे भाई जो हैं नीचे तबके के लोग बहुत उम्मीद रख रहे हैं आप उनसे? जी बहुत उम्मीद है उनसे। आइए, और लोग भी हमारे इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अम्बेडकर जयंती के जुलूस में भी आप जा रहे हैं जी, ठीक है, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ से राधे श्याम जी भी बहुजन समाज पार्टी से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सबका देख चुके हैं। आज दलित बस्ती में चली जाइए, वहाँ यहाँ के पार्षद जो जीते हैं जाने का नाम लेते हैं, कहते हैं वो वहाँ से हमको वोट नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे उस गली में, कहते तो वो कहते हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ से हमको वोट नहीं मिला है। पूरी की पूरी गली पानी गंदी आ रही है उस गली में, कोई सुनवाई नहीं है। कितनों भी पार्षद हमारे शक्ति भैया भी थे, उनके वजह से भी नहीं हुआ गली में काम अभी तक। हम अब राधे श्याम भैया को समाज सेवी के रूप में तो वो कार्य कर ही रहे हैं, अभी क्या कुछ लगता है जीतने के बाद क्या कुछ कार्य करेंगे? करेंगे, हम लोग खुद करेंगे, करवाएंगे। अच्छा। नहीं करेंगे तो दोबारा फिर उनको जी। एक बार उनको भी चांस दे के देखे आ जाए जी, जी। क्योंकि हमारे उन्हीं को करना है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कह दिए, आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, राधे श्याम जी से भी बात हुई है। क्या आप अम्बेडकर जयंती के दिन वो यहाँ से जुलूस निकाल रहे हैं और करीबन 100 लोग शामिल है इस जुलूस में बहुजन समाज पार्टी से, वो एक भावी प्रत्याशी भी वार्ड नंबर 11 हुकुलगंज से है, उनसे बातचीत की है, उन्होंने संदेश भी दिया है अम्बेडकर जयंती पे, और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ की जनता से भी बात किया है हमने, वो राधे श्याम जी को इस बार हुकुलगंज से सपोर्ट भी कर रहे हैं। कैमरा पर सोनाली पाठ, फोर्थ पिलर न्यूज। देखिए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आज के अम्बेडकर जयंती के अवसर पे क्या कुछ होने वाला है कार्यक्रम, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे राधे श्याम जी यहाँ से हुकुलगंज वार्ड नंबर 11 से खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जनता यहाँ पे उम्मीद रख रही है उनसे, यह सब भी जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं, क्या नाम होगा आपका? मैं धर्म कुमार भारती, बसपा प्रभारी सर उत्तरी का। अच्छा, ठीक है जी। मैं बहुत उम्मीद के साथ इन्हें टिकट दिलाया और लड़ा रहा हूँ वार्ड नंबर 11 से। पार्टी कितनी उम्मीद रखती है कि कितने कैसे पार्टी इनसे बहुत उम्मीद रखती है, इसलिए रखती है कि उन्होंने हमेशा समाज से जुड़ा रहा, समाज के लिए किया जी। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जीतेंगे तो इससे अच्छा करेंगे जी, जी। और करना भी चाहिए इनको जी, समाज सेवी के रूप में वो कार्य तो कर ही रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। जीतने के बाद क्या, जीतने के बाद बहुत उम्मीद है हमें हुकुलगंज के जनता की औरों की, कि अभी इतना कार्य कर रहे हैं तो जीतने के बाद भी ये उम्मीद है कि करेंगे, करेंगे और करना भी चाहिए इन्हें जीतने के बाद, हम लोग से यही उम्मीद है। और आज अम्बेडकर जयंती है, आपको ही पता है, सारे जहां को पता है कि इस देश को गिफ्ट के रूप में बहुत बड़ा चीज दिए हैं जी, जी, जरूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उसी के आधार पे देश चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि जीते, जैसे उन्होंने संविधान देकर देश चलाया, इन्होंने जीत के समाज को चलाया।